अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों कुछ दोस्तों की फरमाइश पर आज हम एक मैं खुद आया हूँ लाइव। हम आपको शहद उतार के दिखाएंगे बड़ी मक्खी का। ये आम का दरख्त है और इसके ऊपर शहद लगा हुआ है। इंशाल्लाह हम कुछ ही देर में आपको वो दिखाएंगे इंशाल्लाह। और जो भाई उतारने वाले वो मेरे कजन है और उनसे मैंने फरमाइश की आपने बिल्कुल भी हाथों पे जिस्म पे कोई चीज नहीं रखनी और बुनियान पहन के आपने बगैर किसी एहतियाती तदाबीर के आपने शहद को उतारना है। उम्मीद करता हूँ कि वो कामयाब होंगे इंशाल्लाह। तो अब देखते हैं आगे लाइव वीडियो इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं भी दरख्त के ऊपर आ चुका हूँ तो काम शुरू होने वाला है। दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक खैर करे। मैं फुल दरख्त के ऊपर बैठा हूँ, आंबों का दरख्त है जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम ये ऊपर पहुंच चुके हैं, ये भाई भी पहुंच चुके हैं। ये देखें ये मक्खियों का छत्ता है और मैं भी इनके पास बैठा हूँ। बहुत ज्यादा डर लग रहा है, हमने दुरूस्ती वगैरह पढ़ लिया, अल्लाह का नाम ले लिया है। उम्मीद है कि हमें इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कुछ नहीं होगा। ये भाई बैठे हुए, मैंने इनको कहा कि आपने कोई कर्तव्य करके दिखाना है। ये देखे बगैर किसी एहतियाती तदाबीर के ये मक्खियों को उठा रहे हैं और ये देखें ये इन्होंने उठाया और इन्होंने अपनी भाई इसको अपनी बुनियाद में डाले और ये बहुत खतरनाक काम कर रहे हैं। आप सबको चाहिए कि आप इनको वायरल करें ताकि ये छांगा मांगा का जो है एक जुगाड़ एक स्टेटस लोगों के सामने शो हो। ये देखें अल्लाह हो अकबर, देख सकते हैं आपने उन्हें किस तरह मक्खियों को। ये अल्लाह हो अकबर, मुझे कुछ नहीं कहे मुझे। ये देखें माशाल्लाह ये बहुत खतरनाक है जी भाई जान। इनको अब निकालें बाहर, इनको जो डालनी आप इनको बाहर निकालें, इनको इनको बाहर निकालें। वो सर में डालें, वो सर में डाल रहे हैं बिल्कुल। देखें आप, मैं इनका बिल्कुल पास खड़ा हूँ, मुझे आवाज इनकी बहुत तंग कर रही है। बहुत खतरनाक काम कर रहे हैं वो। देखें वो चूम रहे हैं, इनको खा रहे हैं, इनको चूम रहे हैं मक्खियों को। ये आप देख सकते हैं अल्लाह हो भाई। देखें ये पाकिस्तान का टैलेंट है। इसको ऊपर ने देखा, वो देखो ने मक्खी खा ली है। ये आंबों का दरख्त है, आम भी नजर आ रहे होंगे। देखे आप मक्खियों को निकालेंगे। ओ मुझे डर लग रहा है बहुत ज्यादा। ये देखें किस तरह निकाल रहे हैं। ओहो अल्लाह अकबर, ये देखें इनका छत्ता इन्होंने यहाँ पर लगा दिया। ये देखें अब इसको खींचेंगे। ओहो मुझे डर लग रहा है बहुत ज्यादा। ये देखें किस तरह निकालेंगे, अब नीचे गिर गई है सारी। देखें मैं बिल्कुल इनके पास खड़ा हूँ। देखें ये शायद है सारा, ये उतार रहे हैं। मुझे डर लग रहा, मेरे पास कुछ नहीं होगा भाई। ये देखें इन्होंने मुझे गारंटी दी कि आपको कुछ नहीं होगा। ये पास लेकर रहिएगा थोड़ा सा। ये देखें कितना जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आपके सामने हम शहद उतार रहे थे। बस मेरी अपनी गलती की वजह से जिस हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था, जब वो मेरे पास मक्खी लेकर आए, एक मक्खी हाथ पे बैठ गई, मैंने उसको उड़ाने के लिए हाथ हिलाया तो उसने मुझे काट दिया। तो मेरे हाथ पे जब उसने मक्खी ने काटा तो दो तीन और मेरे पीछे लग गई। तो जैसे वो लगी तो मैं हिलाऊं काफी ज्यादा, तो उन्होंने वो डिस्टर्ब हुए। उन्होंने कहा कि आप इस तरह करें, आप वीडियो ना बनाएं और आप नीचे चले जाएं, जिस तरह हम उतारेंगे हम आपकी तरफ आ जाएंगे। अब वो मुझे नीचे उतार के एक करीब मौजूद नर्सरी में, जो कि तकरीबन 500 मीटर की दूरी पे है, तो वहां पर उन्होंने भेज दी। यहाँ पर मैं बिल्कुल सेफ हूँ और साथ उन्होंने मुझे आंप दे दी है कि दरख्त से उतार के आप ये खाएं, क्योंकि भागते चोर की लगाट ही सही। ये देखें आम मौजूद है, अब मैं ये खाऊंगा। आप उतनी देर को वो शहद उतार के आएंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको शहद दिखाएंगे इंशाल्लाह। दोस्तों अगली बार आपको एहतियाती तदाबीर के साथ इंशाल्लाह मुकम्मल अपने आपको समेट के इंशाल्लाह आपके इस तरह की एक और वीडियो पेश करेंगे। तो असल में वो मक्खियां मुझे लड़ी, उनको एक भी नहीं लड़ी। पता नहीं क्या उनकी किस्मत क्या, या मक्खियों को मेरे पे दुश्मनी थी कि आप वीडियो क्यों बना रहे हैं हमारी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको इससे ज्यादा बेहतर इंशाल्लाह वीडियो मिलेगी जी। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, अगर आपको जूम करके मैं दिखा सकूँ, वो भाई देखें वो दरख्त के नीचे वो शायद उतार रहे हैं, तो मैं फिर वक्त उनसे दूर ही हूँ। ये आप देख सकते हैं वो भाई देखें वो शायद उतार चुके हैं और उसी दरख्त के नीचे खड़े हुए हैं। और इंशाल्लाह जैसे ही मैं उनके पास आता हूँ या वो मेरे पास आते हैं तो इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं शायद कि किस तरह का शायद था और कैसा था। शायद खाएंगे भी इंशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये देखिए शायद उतार रहे हैं इस डब्बे के अंदर है। और ये देखिए ये भाई हैं, इनको बिल्कुल भी एक भी मक्खी ने नहीं काटा। और ये देखें अभी मैं आपको दिखाता हूँ इनके कंधे पर शायद बैठी हुई मक्खियाँ, दिखाइएगा। ये देखें मक्खियाँ बिल्कुल अंदर मौजूद हैं अभी तक जिस्म के अंदर, लेकिन इनको कुछ नहीं कह रही और मुझे अब बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और ये बिल्कुल शहद उतार के सही सलामत यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये भाई कह रहे हैं कि आपको आपकी गलती की वजह से लड़ी है। मैं इनसे पूछता हूँ मेरी क्या गलती है भाई, प्लीज बताइएगा। नमाज पढ़ी है सुबह? नमाज नहीं पढ़ी, बस यही नमाज की वजह से इंशाल्लाह। चले अल्लाह पाक खैर करे, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम नमाज पढ़ेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम जी, हम शहद लेकर आ गए हैं जी। खलील भाई ये शहद दिखाएं जो हमने उतारा वहाँ से, इस शापर को खोल के दिखाइएगा। शहद भाई निकाल के दिखाइए, एक ये है हिस्सा और सारा दिखाइएगा, बाकी तो ना
तो ये देखें, ये भी है बकाया, ये हमारे कैन के अंदर भी मौजूद है और इधर भी है, ये देखें। बस अब हम इनको दबाएंगे और इनको फ़िल्टर करके इनको निचोड़ेंगे इंशाल्लाह, तो शायद तैयार हो जाएगा।